और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, लगातार हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, दो बातें आज जिन पर बहुत बात हो रही है, एक तो हीराबा जिन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ जी, बहुत ही साधारण सरल जिंदगी, जिसका जिक्र अभी आपने सुना फारूक साहब से लेकर प्रहलाद पटेल जी सब ने किया, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेटे नरेंद्र ने जो पुत्र के दायित्व होते हैं उनका पालन किया, उन्हें निभाया, और फिर कुछ ही घंटे बाद, करीब 1.5 घंटे बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दायित्व निभाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की माता जी ने सिंपल लाइफ नहीं जी, बहुत संघर्ष की उन्होंने लाइफ जिया, संघर्षपूर्ण जीवन जिया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ही बताया। और उसके उपरांत प्रधानमंत्री जी ने एक योग्य पुत्र के रूप में, एक संस्कारवान पुत्र के रूप में जो भी अपना दायित्व था उसका वहन किया। अभी हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ता बता रहे थे, तो मैं भी यह बात कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान क्या है, इसका उदाहरण मिलता है मनुस्मृति के द्वितीय श्लोक में। द्वितीय अध्याय में श्लोक है, वो ये कहता है कि 10 उपाध्यायों से एक आचार्य श्रेष्ठ है, उपाध्यायेन दशम आचार्य, आचार्येण शतम पिता, मतलब 100 आचार्यों से पिता ऊपर है, 1000 पितम माता, 1000 पिताओं से माता का स्थान गौरवाणार उच्चते, यानी माता का गौरव 1000 पिताओं से ऊपर है, जो कि 10 उपाध्यायों से ऊपर आचार्य, 100 आचार्यों से ऊपर पिता, और 1000 पिताओं से अधिक गौरवशाली स्थान माता का है। तो यह स्थान हमारे यहां मां का होता है, इसीलिए हमारे यहां सारे प्रतीक भी मां माने गए हैं। धरती भी मां है, प्रकृति भी मां है, भारत भी मां है, गीता भी मां है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है। इससे आप समझिए कि वो कितनी विराट विचार भारत में है। डॉक्टर अजीज खान, मां शब्द के सामने सब कुछ बौना पड़ जाता है, शब्द छोटा है लेकिन भाव इतने सारे हैं, एहसास इतना बड़ा है कि आज तक कोई कवि या कोई शायर अपने शब्दों में बांध नहीं पाया है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। देखिए आदित्य जी, मैं लगातार बहुत सारे जो वक्ता है और कई बड़े बड़े नेताओं की बातें मैंने सुनी, और जिस तरह से माँ को डिफाइंड किया, ये वाकई में माँ को बहुत गंभीरता से भी आप डिफाइन करें फिर भी उसको डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ईश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो माता जी का स्वर्गवास हुआ है वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो पूज्य माता जी रही हैं उनकी सरलता और सौम्यता, हम देख रहे हैं जो चर्चा अभी लगातार हो रहा है उनकी सरलता पे चर्चा हुआ, ये वाकई में वो जो सरलता है वो एक बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को समझिए कि आदरणीय मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद भी वो एक छोटे से कमरे में रह रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा था कि केसी त्यागी साहब ने मनोहर राणा साहब की कुछ लाइनें पढ़ी थी, मैं उन लाइनों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप देखिए कि माँ का रुतबा क्या होता है और माँ की ख्वाहिश क्या और की सोच क्या होती है। आप इस बात को समझे थोड़ा सा कि मनोहर राणा साहब ने कुछ लाइन कोट किया है, वो ये है कि वो कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, वो कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ के आंखें बूझते ही घर अकेला हो गया। देखिए माँ 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 होती है और उसका जो साया होता है वो यकीन मानिए वो साया तमाम तमाम चीजों को समेट कर रख लेता है। मैं कहना चाहूंगा किसी के आगे माँ के लिए कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ गई, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ गई, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ गई। देखिये माँ का जो रुतबा है और माँ जो बड़ी तमाम मुसीबतों में जब इंसान घिरता है तो माँ को याद। आज हमने राजनीति की भी एक नई तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है, खास तौर पर आज जो कार्यक्रम थे, कई लोग होते तो कहते कि इस कार्यक्रम को हम कल टाल देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन कार्यक्रमों को टाला नहीं, पुत्र का रोल भी निभाया, पुत्र का दायित्व भी निभाया और जो प्रधानमंत्री का दायित्व है वो भी निभाया। नहीं, मुझे लगता है कि ये उनका ठीक मानना है, और लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री और खासकर मोदी जी, उनने कर्तव्य को प्राथमिकता सदैव दी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, हम जब किसी व्रत में होते हैं तो फिर हम पर कोई परिवार के दुख या उसके छुआछूत जिसको आप मानते हैं ये उस पर लागू नहीं होती। प्रधानमंत्री उस परिधि से ऊपर है, ऐसा मैं दृढ़ता के साथ मानता हूं।
इसलिए उन पर पारिवारिक छूत के अछूत के ये प्रभाव उन पर होते नहीं है। वो संन्यास के भेष में नहीं है लेकिन सन्यासी के कर्म की तरफ है और इसलिए उन पर ये मान्यताएं या प्रमाप लागू नहीं होते। ये मेरा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना होगा क्योंकि मैंने उस जीवन को देखा है और इसलिए मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक टिप्पणियां उन पर लागू नहीं हो सकती। उनका एक अलग काम करने का तरीका है जो मैंने पहले आपसे कहा कि उनने एक आज रास्ता दिया है कि हम दोनों के बीच में समन्वय बिठा सकते हैं निरपेक्ष भाव से निष्काम भाव से, ये उन्हें साबित कर दिया। सुधांशु जी, आज हमने एक और बात जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी कि आज बहस की गुंजाइश नहीं थी। माँ एक शब्द ही ऐसा है जिस पर बहस ही नहीं हो सकती। माँ की इसे खूबसूरती कहा जाए, ताकत कहा जाए, माँ की तारीफ में मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा शब्दकोश बहुत छोटा पड़ रहा है लेकिन वो जो एहसास है वो काफी शायद मुझे लगता है नामुमकिन है उस एहसास को शब्दों में पिरोकर बयां करना। लेकिन आज की जो राजनीतिक तस्वीर हमने देखी, जो संवाद हमने देखा आज, वो माँ ही कर सकती है। माँ ही अलग अलग विचारधाराओं को इस तरह एक साथ ला खड़ा कर सकती है। देखिए, आज का भी जो आपने घटनाक्रम देखा कि प्रातः काल अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत ही उसी दिन मोदी जी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, यानी जो राष्ट्र का दायित्व है, पुत्र का दायित्व का निर्वहन किया और उसके साथ साथ जो देश का दायित्व है उसके साथ भी उन्होंने पूरा न्याय करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रेरणा और संस्कार उनको अपने माता पिता से मिली हुई होगी। यहां मैं एक और बात कह दूं, मोदी जी उस श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्होंने युवावस्था में ही समाज की सेवा का संकल्प लेकर, जिसे भारतीय संस्कृति में परिव्राजक परंपरा कहते हैं, यानी परिवार से अपने को पृथक करना और समाज के लिए अर्पित कर देना, जो उनके उसमें भी दिखाया जा रहा था कि उन्होंने कहा पूरे देश को परिवार मान लिया। परंतु यहां भी मैं बताना चाहता हूं अदिति जी, बहुत कम लोगों को पता होगा, भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि यदि आप संन्यास भी लेना चाहते हैं, आप परिव्राजक बनना चाहते हैं, यदि आप अलग होना चाहते हैं परिवार से और समाज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको पहली भिक्षा आपकी मां देगी। यदि मां ने अनुमति नहीं दी तो आपका संन्यास नहीं प्रारंभ हो सकता, आपका परिव्राजन नहीं हो सकता, आप बाहर नहीं जा सकते। आप यह समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या हो गया कि भौतिक जगत हो या परमार्थिक जगत हो, दोनों में जब तक आपकी मां का आशीर्वाद नहीं है तब तक दोनों में से किसी का भी मार्ग आपके लिए प्रशस्त नहीं हो सकता। और चूंकि मोदी जी उसी परंपरा से आए तो मानी हुई बात है उनको यह प्रेरणा भी अपनी पूज्य माता जी से अवश्य मिली होगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि उल्लेखनीय बात जानते हैं क्या है, पिता कब सिखाना शुरू करता है, जन्म होने के बाद गुरु कब सिखाना शुरू करता है, जब बच्चा विद्यालय में आता उसके बाद, अरे मां की शिक्षा तो गर्भ से मिलनी शुरू हो जाती है। याद करिए क्या कहा जाता था कि अभिमन्यु गर्भ में था तब उसे बहुत सी चीजें पता लगी, और अब तो साइंस भी यह बात मानती है कि 8वें-9वें महीने में मां की थिंकिंग का बहुत सारा प्रभाव, वाइब्रेशन बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इसीलिए हमारे यहां यह भी माना जाता था कि उसी स्थिति में अधिक से अधिक सकारात्मक विचार मां के मन में रहने चाहिए। तो आप यह समझ लीजिए कि जन्म से पूर्व ही संस्कार और विचारों को किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थापित करने का काम मां के द्वारा होता है, और यदि आप संसार से अलग होना चाहें तो मां के आशीर्वाद से ही हो सकता है, और संसार से मुक्त होना चाहेंगे तो भी मां के ही आशीर्वाद से हो सकता है। अर्थात संसार में पदार्पण से लेके और संसार के से मुक्ति तक के सारे मार्ग बगैर मां के आशीर्वाद के नहीं संभव। तो ये है मां। और हमारे साथ मीम अफजल जी हैं। मीम अफजल जी, मैंने अभी सुधांशु जी से जो कुछ सुना, जाहिर से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उससे पहले मैं नहीं जानता था, तो मैं उस तरह के शब्दों का और उस तरह का जो नॉलेज है उसका इजहार तो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने माँ की व्याख्या की है, जो उनकी डेफिनेशन बताई है, वो देखा जाए तो तकरीबन हर धर्म में तकरीबन एक जैसी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी
मैं जो कुछ भी आज सुबह से और बाद में एक प्रोग्राम में शामिल होते हुए भी जो कुछ किया है, यकीनन ये उस ट्रेनिंग का असर है जो उन्होंने जिंदगी भर अपनी फैमिली से अलग रह करके सीखी है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, वो उन्हें करना ही था और उसकी उनसे उम्मीद भी की जाती है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेनिंग उनको है, वो एक खास आइडियोलॉजी के तहत जिस तरह की ट्रेनिंग है, घर छोड़ा उन्होंने, रिश्तेदारों को छोड़ा, भाइयों बहनों को उनसे अलग रहे जी और काम करते रहे, उससे कहीं किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो उनकी एक तरह की ट्रेनिंग है, उनकी जो तपस्या या उनका जो एक तरह से कही जैसे उन्होंने धर्म के तौर पर अपना लिया, तो उस पर चलते हुए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर कुछ बहुत ज्यादा कुछ कहा जा सके। मैं समझता हूँ कि उम्मीद उनसे की जाती है और उस पर किसी को हैरत भी नहीं होनी चाहिए। आपने एक बात और कही कि माँ का जी, माँ के ऊपर बहस नहीं हो सकती, माँ का ऐसा दर्जा है, नहीं, माँ पर बहस हो सकती है, घंटों हो सकती है, दिनों हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात है, तो उसमें बुराई वाली कोई बहस नहीं हो सकती, नहीं, उसमें सिर्फ ये और हम और आप यही बहस करेंगे कि आपकी माँ बेहतर है कि मेरी माँ बेहतर है, और क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल मेरे पास है मीम अफजल साहब, तो मैं कहूंगी माई मदर इज द बेस्ट, मेरी माँ ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए हर माँ को सलाम, आज हर माँ को सलाम, आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।